नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफी खतरनाक है। कोरोना मरीजों की बेतहाशा संख्या बढ़ रही है, ऐसे में अब रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय के इस फैसले के मुताबिक अब आम आदमी भी आर्मी के अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। आपको बता दें, देश भर में सेना के 67 अस्पताल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों प्रमुखों और रक्षा सचिव के साथ बैठक के बाद ये निर्देश सेना के सारे अस्पतालों को जारी कर दिया है। इसमें जिला प्रशासन या कोविड के नोडल अधिकारी के जरिए कोविड के मरीजों का इलाज होगा। मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देश भर में कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से मैनेज किए जाने वाले अस्पतालों में सभी मरीजों को जरूरी मेडिकल सहायता दी जाए। आपको बता दें, इससे पहले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने भी अपने एक अस्पताल को COVID-19 मरीजों के लिए फिर से खोलने का ऐलान किया था। DRDO का दिल्ली एयरपोर्ट के पास स्थित एक अस्पताल है, जिसे सोमवार से दोबारा खोल दिया गया है। पिछले साल भी यहां मरीजों का इलाज हुआ था, लेकिन बाद में मामले घटने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कोरोना के मरीज बढ़ने के साथ ही इसे एक बार फिर से खोल दिया गया है। गौरतलब है कि देश में मंगलवार यानी कि 20 अप्रैल की सुबह तक पिछले 24 घंटे में देश में 2,59,170 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,53,21,089 हो गई है। देश में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। आपको बता दें, एक दिन में 1,761 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 1,80,530 हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।